अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 114, 114। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक अ सिंपल मैकेनिकल गियर विद द हेल्प ऑफ सर्कल एंड कमांड्स। आज के इस लेसन में हम प्रोजेक्ट नंबर 13 करेंगे और इसमें हम एक सिंपल मैकेनिकल गियर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करता हूँ, आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ हम बनाएंगे ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये बनाना सीखेंगे आज, तो इसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग लेता हूँ और इसको हम टॉप से करेंगे। और यहाँ पे आपको फिगर बताता हूँ, तो हमारे पास एक इसका जो डायमीटर है वो है कंप्लीट, यहाँ पे रेडियस और डायमीटर दिया हुआ है, तो 5.0 है, 5.0 में इसको डायमीटर देता हूँ, सी एंटर, डायमीटर के लिए डी एंटर, सॉरी मैंने सी एंटर के लिए सी एंटर, डायमीटर के लिए डी एंटर, और कितना था जी डायमीटर 5 एंटर, ओके। नेक्स्ट है इसके मिड पॉइंट से मैं एक और डायमीटर लूँगा, तो इसके मिड से जो मैं सर्कल लूँगा, एक बाहर वाला जो सर्कल है वो कितना है जी 1.5 है, डायमीटर 1.5 एंटर, ओके। सॉरी ये रेडियस मैंने डायमीटर 1.5, तो उसके लिए सी एंटर, डायमीटर के लिए डी एंटर, और कितना डी एंटर 1.5 एंटर, ओके। उसके अंदर एक और डायमीटर है जो कि हमारे पास 0.9 है, सी एंटर, डायमीटर के डी एंटर, और कितना जी 0.9 एंटर, ओके। बायर है हमारे पास एक और 3.5 का है, तो उसके लिए कोर सी एंटर करता हूँ, कितना जी 5.4, डायमीटर है डी एंटर, और डायमीटर है जी 5.4 या 4.5 है, देखो सॉरी 3.5 है, 3.5 एंटर, सी एंटर, डायमीटर के लिए डी एंटर, और कितना जी 3.5, ओके। अब जो मैंने काम करना है, इसके ऊपर एक और सर्कल लग दिया हुआ है, देख सकते हैं ये एक और सर्कल है, और इसका जो डायमीटर है ये जी 8x डायमीटर, यहाँ पे देखता हूँ, पॉइंट फाइव है, ओके। सी एंटर, डायमीटर 0.5, पॉइंट फाइव है, देख फिर फिर से एंटर करता हूँ, सी एंटर 0.5, सही है, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सी एंटर क्योंकि उसमें सही दिया हुआ नहीं है, 0.4, ओके। मैं इसको 0.3 देता हूँ, 0.3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे काम करना है कि अब इसके लिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, जो एरे कमांड एरे कमांड यूज़ करता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ,
स्पेस प्रेस करूंगा और मैं एरे दूंगा इसको, पाथ एरे पोलर एरे, मिड पॉइंट या इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गए। तो यहाँ पे कितने जो देखता हूँ मैं, 2 4 8 है, तो इस पे कितने जी, 2 4 6 8 है, तो 8 यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम है, 8 कर देता हूँ इसको। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ काम। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम, और अब मैं इस एरिया को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको टॉप यहाँ से एस डब्ल्यू एस मैट्रिक में आता हूँ और इनको मैं 1.0 में, इसको इस एरिया को 1.0, 1.0 एक्सट्रूड करता हूँ, और फिर इसको 1.7, कंट्रोल जेड कंप्लीट सबको मैं करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। एक्सट्रूड करता हूँ सारे सारे को, कितना जी, 1.0 यहाँ से, 1.0 एंटर। ओके, और यहाँ पे इनको भी एक्सट्रूड करता हूँ। छोड़ें, ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ, और इनको, इनके लिए मैं एक और काम यूज़ करूँगा, वो मैं प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा, और इनको, बल्कि इनको भी एक्सट्रूड कर दो, EXT एंटर, EXT एंटर, प्रेस पुल कमांड से। ओके, इसको मैं शेड देखता हूँ, शेड देके देखता हूँ क्या क्या चीज़ है, क्या मसला आ रहा है। ओके, अब मेरे काम जो करना है वो क्या है कि यहाँ से आप देखें तो ये जो एरिया है इसको इसने किया हुआ जी, ये एरिया तो हमारा ठीक है, इसको एक्सट्रूड इसने किया हुआ 1.7, तो 1.7 इसको एक्सट्रूड करता हूँ प्रेस पुल कमांड से, क्लिक करता हूँ और 1.7, 1.7 एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इन होल्स को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ इस तरह कि मुझे सर्कल नज़र आए, और मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड से कोशिश करता हूँ कि इन पे काम हो जाए। ओके, हो रहे, प्रेस पुल कमांड आप अप्लाई करें। फिर देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। अगर इसको भी ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ से इसके बाद 1.7 का हमारा दिया एक्सट्रूड किया है, तो ये जो सर्कल है, ये जो इसका होल है, ये यहाँ पे इस एरिया तक है, ये मेन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया हुआ, सिर्फ ये इस एरिया तक है, देख सकते हैं। तो ये जी आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये यहाँ से इसका भी सर्कल मैंने होल ख़त्म नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करें और इस होल को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। उसका तरीका बता देता हूँ आपको फिर से। तो यहाँ पे मिस्टर रखता हूँ और
प्रेस पुल कमांड से ये जो होल है इसका ख़त्म करना चाहें तो सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे से कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। डिलीट करें। यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके यहाँ से 2D वायरफ्रेम में जाएं और यहाँ से आप इसको, क्योंकि यहाँ पे इसने मैंने कंप्लीट इसको उठाया था तो इसे ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए क्योंकि मैंने कंप्लीट इसको उठाया था इस वजह से ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए आप अलग से सर्कल बना के भी आप कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके मैं यहाँ से एक सर्कल बनाता हूँ। प्रेस पुल कमांड देखता हूँ। सी एंटर। यहाँ से इलास्टिक को मैं 2D वायरफ्रेम में लेके जाता हूँ और ये जो सर्कल है इसके अंदर सी एंटर। एस यू एंटर। देखता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी फिगर ड्रॉ हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।